सुपरस्टार शाहरुख खान के बॉक्स ऑफिस पर वापसी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शाहरुख की फिल्म पठान का जलवा सिनेमाघरों में लगातार बरकरार है। फिल्म के लिए फैंस की दीवानगी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शाहरुख और उनकी फिल्म के लिए फैंस के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। पठान लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाल का कारोबार किए जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पठान के एक्टर शाहरुख खान की सच्चाई। आज हम शाहरुख खान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे इसके बारे में शायद आपको ना पता हो। हम इनकी शुरू से लेकर अब तक की कहानी जानेंगे, तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। शाहरुख खान को अगर किसी को जानना हो तो पहले पाकिस्तान के पेशावर को जाने, जहां से उनके पापा पैदल दिल्ली आए थे और अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़े थे। शाहरुख खान के दादा सुभाष चंद्र बोस की सेना में मेजर थे। शाहरुख खान की कहानी में पेशावर है, दिल्ली है, माया नगरी मुंबई है और इसके अलावा दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार स्विट्जरलैंड भी है। 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख के पिता और उनकी माँ के मिलने का किस्सा भी बड़ा फिल्मी है। दरअसल ताज मोहम्मद इंडिया गेट पर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तभी एक कार आई और डिवाइडर से टकरा गई। फातिमा बेहोश पड़ी थी। ताज आगे आए और दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को अस्पताल ले गए। खून बहुत ज्यादा बह चुका था, उन्होंने खून भी दिया। लड़की की सगाई मशहूर क्रिकेटर अली अब्बास बेग से हो चुकी थी। ये लड़की थी लतीफ फातिमा खान। एक्सीडेंट के बाद याददाश्त इनकी जा चुकी थी। ताज फातिमा की कॉलेज छोड़ने तक भी जाते थे और उनका पूरा ख्याल रखते थे और धीरे धीरे उन्हें फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा के पिता से शादी के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बेटी से शादी कर लो। ताज ने कह दिया कि शादी करूंगा तो फातिमा से ही करूंगा। ताज मोहम्मद के प्यार के आगे परिवार को हार मानना पड़ा और दोनों की शादी हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान के पिता आम चुनाव भी लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे। राजनीति से इनका मन भर गया। गांधी नेहरू परिवार से ताज मोहम्मद की नजदीकी थी लेकिन वो बड़े स्वाभिमानी आदमी थे। घर चलाने के लिए ताज मोहम्मद ने दिल्ली के रशियन कल्चर के सामने चाय की दुकान खोली। दुकान चल गई और फिर ताज मोहम्मद ने छोले भटूरे बनाना भी शुरू कर दिया। शाहरुख खान तब 8 साल के थे और वो कभी कभी दुकान पर जाया करते थे। ताज मोहम्मद ने NHD में कैंटीन भी चलाई। इस बीच में माँ फातिमा एक समाज सेवी संगठन में सोशल मजिस्ट्रेट की नौकरी करने लगी। 1980 में पिता की कैंसर से मौत हो गई और 26 से भी कम उम्र में शाहरुख खान की माँ फातिमा भी चल बसी। शाहरुख खान की माँ का ये मानना था कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। वो बात सच भी साबित हुई लेकिन शाहरुख के शोहरत के बुलंदियों तक पहुँचने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। शाहरुख खान की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलम्बिया स्कूल से हुई। शाहरुख स्कूल के दिनों से ही हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में काफी दिलचस्पी रखते थे। शाहरुख को करीब से जानने वाले कहते हैं कि शाहरुख बचपन में बहुत तेज भागते थे, इसलिए उनके दोस्त उन्हें मेल एक्सप्रेस कहकर बुलाते थे। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में स्नातक किया है। शाहरुख खान ने जामिया से मास कम्युनिकेशन में PG के लिए दाखिला भी लिया था लेकिन अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और बैरी जॉन से एक्टिंग सीखने लगे, जहां उनके दोस्त थे मनोज बाजपेयी। लॉस एंजलिस टाइम्स में एक बार शाहरुख खान को दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार कहा था। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर थे। विदेशों में शाहरुख खान की दीवानगी ऐसी है कि कहा जाता है कि जब भी वो बर्लिन में होते हैं तो वहां का ट्रैफिक थम सा जाता है। शाहरुख खान ने गौरी से शादी की है। अपने पिता की तरह इन दोनों का भी लव स्टोरी बहुत दिलचस्प है। गौरी पारंपरिक हिंदू पंजाबी परिवार से आती हैं। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। शाहरुख अक्सर गौरी को गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा गाना गाकर चिढ़ाया करते थे। 13 साल तक शाहरुख ने गौरी को अपने प्यार की बात नहीं बताई और एक दिन अचानक शाहरुख ने कहा कि गौरी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। दोनों के रिश्तों के बारे में जब गौरी के परिवार वालों को पता चला तो गौरी का घर से निकलना कम हो गया लेकिन शाहरुख खान लगे रहे अपने प्यार को पाने के लिए। शाहरुख गौरी के भतीजों को थिएटर ले जाते, डिस्को ले जाते और इस तरह से गौरी के परिवार वालों को अपने पाले में खींच लिया। शाहरुख को गौरी का दूसरे लड़कों से मिलना पसंद नहीं था। वो गौरी को कहते थे कि यह नहीं कहता कि तुम मेरे साथ बैठो लेकिन दूसरों के साथ तुम्हें देख नहीं सकता। शाहरुख गौरी के बाल खुले होने पर भी नाराज हो जाते थे क्योंकि वो मानते थे कि खुले बालों में गौरी बेहद खूबसूरत लगती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनकी इस खूबसूरती को कोई और देखे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शाहरुख खान पहली बार गौरी के लिए ही मुंबई आए थे। दरअसल गौरी किसी रिश्तेदार के यहाँ मुंबई आई थी। शाहरुख को पता था कि गौरी को समंदर देखना पसंद है, इसलिए वो हर शाम गौरी को मुंबई के बीचों पर ढूंढते और एक दिन गौरी बीच पर मिल ही गई।
शाहरुख को देखकर गौरी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोई। टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शाहरुख ने दिल दरिया, फौजी, सर्कस जैसे सीरियल्स के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। लेकिन जैसा कि उनकी माँ कहा करती थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा स्टार बनेगा, तो उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और बन गए रोमांस के किंग। शाहरुख खान पहली बार दीवाना में बड़े पर्दे पर देखे थे। दीवाना में दिव्या भारती और ऋषि कपूर थे, लेकिन शाहरुख खान सबकी नजरों में आ चुके थे। शाहरुख के फिल्मी करियर को नजदीक से जानने वालों का मानना है कि डर और बाजीगर उनके करियर की वो शुरुआती फिल्म थी जिसने ये बता दिया था कि दिल्ली का यह लड़का आने वाले सालों में मुंबई पर राज करेगा। दरअसल शाहरुख खान का एक जादू ये भी है कि जब आप उन्हें देखते हैं तो उनकी बनाई कायनात में चले जाते हैं जहां कोई दूसरा होता ही नहीं। शाहरुख के 9 फिल्मों में उनके किरदार का नाम राहुल है। अब तक 6 फिल्मों में शाहरुख ने विलेन की भूमिका निभाई है। उनके करियर में 16 फिल्में ऐसी हैं जिनमें उनका किरदार मर जाता है। बॉलीवुड के सरताज बन चुके शाहरुख की हिंदी बहुत कमजोर थी। माँ ने एक बार कहा था कि हिंदी में अच्छे नंबर लाओगे तो फिल्म दिखाओगे। शाहरुख का उस साल सबसे ज्यादा नंबर हिंदी में ही आया। लोग इस बात पर यकीन ना करें, पर यह सच है कि शाहरुख खान को आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। बॉलीवुड के बादशाह को घोड़सवारी का भी फोबिया है। 1994 में शाहरुख की फिल्म कभी हाँ कभी ना रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज के दिन शाहरुख ने एक थिएटर काउंटर पर बैठकर टिकट बेचा था। इसके अलावा शाहरुख खान घोर अंधविश्वासी भी हैं। उनके गाड़ियों का नंबर अक्सर 555 होता है, 555, और वो मानते हैं कि अंकों का सही सहयोग आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। सोने से पहले शाहरुख खान आयरन किया हुआ पैजामा ही पहनते हैं। उसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने एक बार मजाक में कहा था कि क्या पता दोस्त सपने में किससे मुलाकात हो जाए। 1995 में शाहरुख खान निर्देशक निर्माता प्रेम लालवानी की फिल्म गुड्डू का हिस्सा बने थे, जिसके पैसे से उन्होंने मुंबई में अपना पहला फ्लैट लिया था। 2001 में शाहरुख ने महज 13,32,00,000 रुपए में बांद्रा के समुद्र किनारे वाला विला वियना लिया था, जिसका नाम बाद में जन्नत रखा था। इस घर में आने के बाद सभी मन्नतें पूरी होने लगी तो उन्होंने घर का नाम बदलकर मन्नत रख दिया। शाहरुख खान को रोमांस का किंग कहा जाता है। देवदास, वीरजारा, दिल तो पागल है, DDLG जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत का नया सुपरस्टार बना दिया। 2006 में फरहान अख्तर ने डॉन की रीमेक बनाई और शाहरुख के एक्शन अवतार को लोगों ने खूब पसंद किया। माय नेम इज खान से उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल दिखाई तो मनीष शर्मा की फैन, आनंद एल रॉय की जीरो, राहुल ढोलकिया की रईस जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए। शाहरुख खान के सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग्स लड़कियों के बीच है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि किंग खान सबसे ज्यादा लड़कियों से शर्माते हैं। यही नहीं, शाहरुख को लड़कियों से डर भी लगता है। शाहरुख खान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये वो आंखों से बात करते हैं। ये बात तब की है जब शाहरुख और सलमान के बीच 36 का आंकड़ा था। सलमान से किसी शो में पूछा गया कि शाहरुख में आपको क्या अच्छा लगता है। सलमान का जवाब था कि उसकी आंखें बहुत बोलती है। शाहरुख खान साधारण किरदार को असाधारण बनाने का नाम है। शाहरुख खान बॉलीवुड के फिल्मों के लिए एक नया वैश्विक बाजार देने का नाम है। शाहरुख खान कोई एक्सीडेंटल स्टार नहीं है, मध्यम वर्ग से निकला एक लड़का है जिसने अपना बचपन और अपनी जवानी किराए के घर में गुजारी। शाहरुख खान उस स्टारडम का नाम है जिसे बड़े करीने से सजाया गया है। दिल्ली का एक लड़का जिसे नानी ने उसका नाम अब्दुल रहमान रखा था, लेकिन पिता ने शाहरुख नाम रख दिया। कहते हैं नाम का बहुत असर होता है। शाह का मतलब होता है बादशाह और रुख का मतलब होता है चेहरा। पिता ने नाम रखा और देखिए शाहरुख सच में बादशाह बन गए।